केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 18 महीने के महंगाई भत्ते बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्ताव। काफी महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को यह बकाया जारी किया जा सकता है। यह डीए बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करता है तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों का रोका गया महंगाई भत्ता अब वापस करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान इनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया है। प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के बकाया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और डीआर भुगतान को महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था। भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि मैं चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूँगा। उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक था। उन्होंने कहा कि कोविड के समय रोकी गई 3 किस्तों को आगामी बजट में जारी करने का अनुरोध करता हूँ। तो इसी की वजह से अभी ये काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि इसके संबंध में वित्त मंत्रालय क्या फैसला लेता है। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।